बेटा कैमरे की सेटिंग हम चेंज ही कर सकते हैं ना। मेरा हाथ तो आ रहा है ना बेटे, यहाँ पर बच्चा इसके ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है, ये तो आ रहा है ना। चलो मैं ये भी लिखूँ, यस सर, सर इतना आ रहा है। आई विल राइट हियर। इसके जो डिवीजन के हैं, इसके आई वांट टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन। हम एक बार डिवीजन की एक्सरसाइज को दोबारा से एक बार करते हैं। And from question number 2 we are doing 4.8 divided by 10. First question. Zero. Second question. 0.7 divided by 10. Third question. 0.3 divided by 100. Fourth is 98.53 divided by 100. And fifth one is 128.9 divided by 1000. Multiplications के मैंने पहले कराए थे आपसे, but now it is of division. डिवीजन की सुनिए, इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द पॉइंट इज गोइंग इन विच साइड, राइट साइड, राइट साइड। बट इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन द पॉइंट इज गोइंग ऑन लेफ्ट साइड। कम होगा ना, इफ यू आर डिवाइडिंग इट दिस पॉइंट विल गो हियर, इसका मतलब इसका तो आंसर आएगा एक पॉइंट जाएगा। व्हेन यू आर डिवाइडिंग सर, वो 4.8 होगा ना सर, वो 48 लिख रखा है ना सर, फर्स्ट एग्जांपल में 48 लिख रखा है ना, 4.8 सर, वो पॉइंट नहीं दिख रहा सर, अब दिख रहा है। व्हाट आई एम टेलिंग, प्लीज लिसन मी केयरफुली, इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 10 तो पॉइंट विल गो लेफ्ट साइड वन डिजिट, एक डिजिट पे लेफ्ट साइड जाएगा। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 100 तो टू डिजिट के बाद लेफ्ट साइड जाएगा, और इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 1000 तो थ्री डिजिट जाएगा। यू आर टेलिंग, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, हियर वन डिजिट और जाएगा, जीरो भी एक अंदर आ जाएगा, इट्स आंसर इज 0.07। राइट सर, 0.07। यस सर। नेक्स्ट इज 0.003। ये पॉइंट 20 को अंदर लेके आएगा, 20 उधर चला जाएगा, ये होगा 0. ये 2.985 सर, फिफ्थ का होगा 0.0128 सर, 0. नो सर, 0.1289। 1 2 8 थ्री डिजिट इधर जाएगा, 1 2 3 ना जाएगा, दिस वन जीरो का लगाते हैं, 0.1289। These are the questions of question number 2, 3, and 4. Please note down these questions. I have sent an assignment to you people. Four integers. Only yes, sir. You people do the exercise only. Nothing. You need not to write any question. Only answers you write and send in one PDF. Okay. Yes, sir. And the same way, the second chapter also,
please send me the exercise questions in one PDF. Because this chapter is also going to end. All of you, Chirag, what do you want to say, beta? Yes, sir. आपने हाथ उठाया ना बेटे, what do you want to say? सर नहीं, मैं आंसर देने के लिए हाथ उठाया था. Okay. I will take some more questions from this exercise. उस दिन हमारा थोड़ा confusion था, 7 divided by 3.5. Second question I am taking. 3.25 divided by 0.5. Third one, 0.5 divided by 0.25. And fourth one, 37.8 divided by 1.4. We will do these questions. Pramod Gupta is in the class. अंजलि फोन करो उसको. सर मेरे पास उसका नंबर नहीं है. एनीवन हैव द नंबर? सर मेरे पास उसका फोन नंबर है. हाँ और तो फोन करके दो, बोलो उसको. सर बोल रहे हैं ऑटो फोन नहीं है मेरे पास. हैं? ऑटो फोन नंबर नहीं है उसका, फोन नंबर. कर रहा हूँ मैं. How we will do these questions? See here. This question 7 divided by 3. इसमें से पहले point हटा दो. The first step, remove the point first. Okay. पहला step point को remove करिए और उसके बाद this division changes into multiplication and 10 upon 35. 10 upon 35. Right, sir? उसका reciprocal हो जाएगा next का. और उसके बाद if any common factor is there, its answer is what? 2. Its answer is 2. Okay, first remove the point. You know how to remove the point. Then change division into multiplication. Then write in the lowest form. And then decimal form. Okay, these are the steps taken by this division. Sir, I have the auto number of Komod. सर कोमोद का ऑटो नंबर है मेरे पास. मेरे को तो ऑटो नंबर आप उसे बोल दो एक बार कि क्यों नहीं है क्लास में सर बोलना. ओके सर. 3.25 मीन 325/100 डिवाइडेड बाय 5/10. पहले मैंने पॉइंट को हटाया. आई राइट पॉइंट फॉर्म इनटू अ फ्रैक्शन. Right, sir? Point form in a fraction. Then I change this division into multiplication. 10 upon 5. Then I will write in a lowest form. Yes. Sir, can I? Sir, can I tell the answer? No. I am doing first. 10 cancel, 5 से डिवाइड करो. दिस इज 65/10. और इफ यू राइट 6.5. 65/10.
You can write as 6.5. Right, sir. How you will do in this one? 5/10 divided by 25/100. I remove the point first. Write in the fractions. Then this division changes into multiplication. 100/25. 10 cancel, 5 the answer is 2. Sir, Kumud Gupta phone nahi utha rahi. The answer is 2. Okay, no problem. Sir. Yeah. सर मैं कुमुद के घर पे फोन किया था तो सर कुमुद बता रही कि वो अभी आउट ऑफ स्टेशन गई है. नाउ यू प्लीज डू द लास्ट क्वेश्चन हियर. 3/7/8/10 डिवाइडेड बाय 14/10 और आई कैन से 3/7/8/10 multiplied by 10/14. ये 10 cancel और ये कितने से कट रहा है देखो. 378 divided by 14 how much? How much? Sir 27. सही बोल रहे हो. The answer is 27. And these are the questions from question number 5. Some divisions I have shown in the board to you people. Some divisions. I have shown to you on the board. Please note down these divisions. Please see all of these questions. How you will do question number 6? Please do these question first. पहले आप इनको करिए. First you do these questions. Have you completed? Give the message to me. If you have completed, please write completed, sir.
completed, sir. Give the message also if you are completed. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Now you tell me any problem from these fractions and decimals? Any problem you are facing from fractions and decimals? No problem, sir. Yes, Chirag? No problem, sir. What you are saying? Your voice is not clear. No problem, sir. No problem. Any student, please tell the problem from fractions and decimals to me. No, sir. And from integers also, no problem. Yes, sir. No problem from both the chapters. Now I will go to the next chapter then. Next chapters. Yes, sir. Today I am not going to the next chapter. Tomorrow I will go to the next chapter, data handling. And I will take 2-3 periods for data handling also. And for data handling, you must have your graph papers and everything. Okay? Okay, sir. Okay, sir. So okay, tomorrow you people must have your graph paper also with you, because we will draw the graph in the online class only. Right? We draw the graph. Okay, sir. Okay, sir. And this chapter 1 and chapter 2, I think there is no problem from these two chapters. No doubt, sir. No, if you have any doubt any time, please send me on WhatsApp also. Okay. Okay, sir. You can send me on WhatsApp also. Tomorrow we will start the new